आज मैं आपके साथ गरम मसाला पाउडर कैसे हम घर में बनाएंगे वह रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो पूरा देखिए और आप पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर दबा दीजिए। चलिए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स, इसमें हमें क्या क्या ज़रूरत है। ये है ब्लैक स्टोन पाउडर, ये है स्टार एनाइस, ये है मेथी दाना, ये है पॉपी सीड और बे लीफ तेज पत्ता, ये है सरसों के दाने, इलायची, हरी इलायची, ये है दालचीनी और लौंग, ये है बड़ी इलायची, 4 से 5 लेंगे, और ये है बड़ी वाली मिर्च जो बोलते हैं, बड़ी वाली काली मिर्च है, और जीरा मैं ले रही हूँ। हम आधा केजी बना रहे हैं। आप इसका पूरा इंग्रेडिएंट्स देखना चाहते हैं तो हिंदी में और मैंने उड़िया में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छी तरह से क्वांटिटी चेक कर सकते हैं। यह है धनिया, मैं पाउडर ले रही हूँ, आप साबुत धनिया भी ले सकते हैं। चलिए इसको बनाने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले हम धनिया को अच्छी तरह से कढ़ाई में भून लेंगे, इस तरह से हम ब्राउन होने तक इसको भून लेंगे, ज़्यादा जलाएंगे नहीं, जलाएंगे तो इसका मसाले का स्मेल चला जाएगा, उड़ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। यह है धनिया पाउडर, आप साबुत धनिया भी ले रहे हैं तो इसी तरह से भून सकते हैं। धनिया पाउडर को भी मैंने भून लिया है, और ये है बाकी हमारा जो स्पाइसेस मैंने लिया था, सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, कितने कितने क्वांटिटी में हमें लेना है। आप अच्छी तरह से उसमें बनाना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं क्वांटिटी। इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे, और ऊपर आ रहे पेजेस पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि दूसरे रेसिपी वगैरह आप देख सकें। ये देखिए, इसको हम ठंडा करने के लिए थोड़ी देर रख देंगे। कम से कम आधा घंटा या 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। अभी एक मैंने ग्राइंडर जार लिया है, इसमें हम सारे जीरा, धनिया और सारे स्पाइसेस मसाले को इसमें मैंने डाल दिया है, और इसको ग्राइंड कर देना है। इसको गरम मसाला हमें घर में बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है फटाफट। इसको मैंने ग्राइंड कर चुकी हूँ मैं, ये देखिए पाउडर बन गया है। अभी हम किसी बॉक्स में, किसी जार में स्टोर कर सकते हैं और हम सब्ज़ी या मटन चिकन में इसको डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ